आज हम बनाएंगे पोहे से बहुत ही बढ़िया नाश्ता, जो कि बहुत ही कुरकुरा नाश्ता है। आप देख सकते हैं कितना करारा नाश्ता मैंने तैयार किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 आलू और थोड़े से पोहे से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप पोहे से बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप, थोड़े से पोहे डाल रही हूँ मैं, और इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मैंने वॉश इसे कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे करीब 5 मिनट के लिए हम भिगो के छोड़ देंगे, जिससे हमारे पोहे हैं अच्छे से फूल जाए। और इसे मैं डाल रही हूँ मैश किया हुआ आलू। 2 आलू पहले उबला हुआ लिया था, उसे मैश कर लिया था। और ये मैंने 1 ब्रेड लिया है इसमें, और ब्रेड के साइड का जो पोर्शन है उसको मैंने काट कर निकाल दिया है। और इसे अच्छे से हम तोड़कर ब्रेड को निकाल लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, ये देखिए थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ मैं। और स्वाद के अनुसार मैं डाल दूंगी इसमें नमक और थोड़ा सा चिली पाउडर डालेंगे इसमें। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो फ्रेंड्स, अब इन सबको हम अच्छे से मैश करेंगे ताकि अच्छे से ये डो बन सके। तो चलिए अच्छे से हम मैश करके इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से मैश कर लेना है प्रॉपर। आपको इसका एक डो तैयार करना है, जैसे आटे का डो होता है उस तरीके से आपको इसे तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही परफेक्टली डो बनकर तैयार हो चुका है। इसे चलिए मैं सेट कर लेती हूँ अब। तो चलिए हल्के हल्के हाथों से इसे हम प्रेस करके इसे अच्छे से हम सेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है एक टिफिन का कैप, इसे मैं गोल सा कट करूंगी। तो चलिए मैं आपको इसे दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको कट करना है। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आप गोल शेप ही दें, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप दे सकते हैं और गोल शेप दे सकते हैं, आप कोई भी शेप आप दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको एक दिखाया है, इस तरीके से मैंने गोल बनाया है। फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगी, इसे कट करूंगी। तो चलिए नाइफ से मैं इसे कट कर लेती हूँ, मैं चौकोर शेप दे रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं अब इस तरीके से नाइफ से कट कर लूंगी। आप अपने मर्जी से कोई भी शेप का कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कट किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारे कट करके रख लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब चलिए इसे हम फ्राई करेंगे, थोड़े से ऑयल लेंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी रेडी होंगे, तो इसे अच्छे से हमें क्रिस्प करना है। तो चलिए मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम अच्छे से सेकेंगे ताकि ये बहुत ही करारा क्रिस्पी सा सिककर तैयार हो जाए। तो ये देख सकते हैं ये पोहे और आलू का नाश्ता है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसे खाने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा बच्चों को पसंद आता है। आप इस तरीके का आप उन्हें पोहे और आलू से बनाकर इतना बढ़िया नाश्ता बनाकर खिला सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्रिस्पी इसे सेक रही हूँ। तो चलिए ये हमारा बिल्कुल फटाफट सिक कर तैयार हो चुके हैं, इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इससे मैं निकाल रही हूँ। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी हमारा नाश्ता कटलेट्स बनकर तैयार है। तो ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी है। तो अब मैं इसमें रख रही हूँ टोमेटो केचप, बच्चों को टोमेटो केचप बहुत पसंद है, तो आप इस तरीके से सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा क्रिस्पी चटपटा नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार है, अब इसे आप सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगेंगे ये खाने में, बहुत ही क्रिस्पी है। और घर पर बनाकर झटपट तैयार कर सकते हैं और बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज्यादा ये नाश्ता पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना क्रिस्पी है ऊपर से अभी और अंदर से भी बहुत ही बढ़िया बनकर ये नाश्ता तैयार हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत 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 थैंक यू। मैं आपको मिलती हूँ नए नेक्स्ट रेसिपी में, अभी के लिए थैंक यू।